दोस्तों आज की ये वीडियो सभी YouTube क्रिएटर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूँ जो एक यूट्यूबर के साथ घटी है और उसके बाद उसका चैनल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। और दोस्तों ये घटना कॉपीराइट से रिलेटेड है जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, और इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये गलती लगभग 90% यूट्यूबर अपने वीडियो में करते हैं। दोस्तों जब भी आप नया वीडियो क्रिएट करते हैं तो जब उसे एडिटिंग करते हैं आप, तो कोई भी म्यूज़िक बैकग्राउंड उठा के आप जो है अपने वीडियो में अटैच करते होंगे। कुछ लोग करते होंगे, कुछ लोग नहीं भी करते होंगे, लेकिन ज़्यादातर यूट्यूबर ये गलती ज़रूर करते हैं। दोस्तों मैंने भी अपने वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूज़िक डाला है और डालता हूँ, लेकिन कभी भी वो मिस्टेक नहीं करता जो मिस्टेक उस यूट्यूबर ने की थी। दोस्तों उसने क्या किया था, यूट्यूब पे नन कॉपीराइट वीडियोस मतलब नन कॉपीराइट म्यूज़िक बहुत सारे आते हैं। मैं आपको मोबाइल फ़ोन में दिखाता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन को ले आता हूँ और आपको दिखाता हूँ यूट्यूब पे सर्च करके, ये बहुत सारे नन कॉपीराइट म्यूज़िक आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं। और आप जैसा भी नन कॉपीराइट म्यूज़िक ढूंढेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ नन कॉपीराइट म्यूज़िक, देख सकते हो ऊपर में आ गया। अब दोस्तों कोई भी क्या करता है कि नन कॉपीराइट म्यूज़िक को यहाँ पे जो है सर्च करता है, ये देख सकते हैं नो कॉपीराइट हिंदी सॉन्ग जैसे लिखा हुआ है, और इसे जो है सो डाउनलोड कर लेता है और वीडियो से ऑडियो में कन्वर्ट करके अपने किसी भी वीडियो में एडिट करके इस म्यूज़िक को लगा देता है। ये दोस्तों बहुत बड़ी गलती है और इस गलती के बारे में मुझे भी एक्चुअली नहीं पता था, लेकिन जब उस मेरे दोस्त के साथ ये घटना हुई तब मुझे पता चला कि वो कितनी बड़ी जो है गलती कर रहा है। उसने अपने चैनल पे लगभग 500 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए थे और उसके चैनल का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसका चैनल जो है बहुत ग्रो हो चुका था और लगभग 7 लाख से ज़्यादा उसके चैनल पे सब्सक्राइबर थे और वो अर्निंग भी काफ़ी टाइम से कर रहा था, लगभग मतलब 1 या 1.5 साल से अर्निंग कर रहा था। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वो YouTube से जो म्यूज़िक नन कॉपीराइट म्यूज़िक को डाउनलोड करके वो यूज़ कर रहा था, उस चैनल के ऑनर ने उसे कॉपीराइट स्ट्राइक देना स्टार्ट किया। 2 कॉपीराइट स्ट्राइक दिया और उसके बाद उसे मेल किया कि आप मेरे कॉपीराइट म्यूज़िक को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप हमें इतने पैसे नहीं देंगे तो हम आपके चैनल को 3रा कॉपीराइट स्ट्राइक देके बंद करा देंगे। और दोस्तों आपको भी पता होगा कि 3रा कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बाद चैनल बंद हो जाता है। अब वो बंदा इतना ज़्यादा परेशान हो गया जितना मैं परेशान हुआ था जब मेरा चैनल जो है सो 4 मिलियन वाला डिलीट हुआ। अब दोस्तों वो एकदम पागल सा हो गया, मेरे पास कॉल किया कि भाई ऐसा ऐसा जो है सो बात है। तो मैंने बोला कि वो जो म्यूज़िक था आपने जो डाउनलोड किया था वो कैसा म्यूज़िक था, तो उसने बोला कि वो नन कॉपीराइट म्यूज़िक था, वहाँ पे लिखा हुआ था नन कॉपीराइट म्यूज़िक। तो मैंने बोला कि वहाँ पे लिखा हुआ था और आपने मान कैसे लिया कि वो नन कॉपीराइट है, अगर मैं अपने वीडियोज़ में लिख देता हूँ कि मेरी वीडियोज़ अंबानी के साथ है तो आप ये थोड़ी मान लेंगे कि मेरी वीडियो अंबानी के साथ है। तो उसने ये गलती की थी और उसके लिए उसे पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बंदा जो है बार बार उससे पैसे की डिमांड कर रहा है और लगभग सारे वीडियोस में उसने उस म्यूजिक का इस्तेमाल किया है और वो बोल रहा है कि आप अगर नहीं दोगे पैसे मुझे हर महीने तो मैं आपके चैनल को जो है डिलीट करा दूंगा। तो ये दोस्तों काफ़ी दर्द भरा होता है जब आप इतने साल मेहनत करते हो अपने चैनल पर, इतना ग्रो हो जाता है चैनल और आपके चैनल के साथ कभी ऐसा हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी के भी चैनल के साथ ऐसा हो, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। अगर आपको नन कॉपीराइट वीडियोस यूज़ करना है तो जिस एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वीडियो एडिटिंग के लिए या फिर जिस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर रहे हैं अपने वीडियो एडिटिंग के लिए, वहाँ पे जो म्यूज़िक दी हुई होती है उस म्यूज़िक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी कोई कंपनी आपके साथ स्कैम नहीं करेगी, लेकिन दोस्तों कभी भी यूट्यूब पर सर्च करके और नन कॉपीराइट वीडियोज़ को इस तरीके से लेके अपने वीडियोज़ में ना लगाएं ऐसे म्यूज़िक को। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी। इस जानकारी को अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये बात पता चल सके। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।